सितारगंज के अमरिया चौराहे पर आ रही एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो कार ने पहले ई रिक्शा को टक्कर मारी और अनियंत्रित होकर 6-7 बाइक सवारों को रौंदते हुए चौराहे पर स्थित एक दुकान में जा घुसी। घटना में अनियंत्रित कार ने 6-7 बाइक को रौंदा, जिसपे कार की चपेट में आने वाली बाइकों को कार ने बुरी तरह ध्वस्त कर दिया। वहीं बाइक सवारों को भी दुर्घटना में काफी चोटें आई। मौके पर पहुंची सितारगंज पुलिस ने कार सवार युवक को हिरासत में लिया और घटना स्थल पर स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां उनका प्राथमिक उपचार किया गया। वहीं कार दुर्घटना में एक व्यक्ति को सर में गंभीर चोट आई है, जिसको देखते हुए इसे हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया है। सितारगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सक डॉक्टर रविंदर सिंह ने बताया कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अभी तक केवल 2 ही घायलों को लाया गया है, जिसमें एक का प्राथमिक उपचार किया जा रहा है और एक को उनके द्वारा रेफर किया गया है। अन्य घायल अभी तक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में नहीं पहुंचे। डॉक्टर रविंदर सिंह के अनुसार बाकी घायलों को किसी निजी अस्पताल में चिकित्सा के लिए ले जाया गया होगा। फिलहाल कार और चालक को पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया है और अग्रिम कार्यवाही की जा रही है। एक हेड इंजरी थी, उसकी हालत थोड़ी गंभीर थी, उसे हमने प्राथमिक उपचार के बाद सुशीला वर्ग रेफर कर दिया आगे ट्रीटमेंट के लिए, और एक पेशेंट का हमने ट्रीटमेंट करके उसे डिस्चार्ज कर दिया। जिस पेशेंट का हमने रेफर किया उसका नाम समीउल्ला खान, इसकी उम्र 45 साल, नगरपुरा का रहने वाला है। दूसरे व्यक्ति को हमने यही ट्रीट किया है, एक्सरे वगैरह हमने उसे एडवाइज किया है, वो एक्सरे करवा रहे हैं और उसका उपचार के बाद हमने उसे वो डिस्चार्ज कर दिया। कितने लोगों को चोट लगी होगी? मेरे हिसाब से 7-8 लोगों को। पुलिस पहुंच रही थी, हमें दूसरे उठा के लोगों को ज्यादा चोट आई, जैसे बाहर लेते हैं।